ओके तो आज हमारे पास आ गया है मीवी का डुओ पॉड्स K1। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे टेक यूनिक। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे जो है मैंने इसको खरीदा है फ्लिपकार्ट से, ₹104 का बिल दिखा देता हूँ आपको मैं स्टार्टिंग में ही। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि भाई फ्लिपकार्ट का बॉक्स कहाँ है, तो आपको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट का ओपन बॉक्स डिलीवरी रहता है, तो ये लोग ने पूरा एकदम फाड़ वाड़ के उसको फेंक दिया। लेकिन बिल को आपको मैंने दिखा दिया, ये देख सकते हैं बिल ₹1004। अभी फ्लिपकार्ट ने नया शुरू किया है ₹4 का बिजनेस। बॉक्स ओपन करते सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है इनके यूजर मैनुअल्स और पैम्फलेट देखने को मिलेंगे, साथ में ये रहा ईयरबड, और साथ में आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिलता है। भाई 2023 आ गया, मीवी माइक्रो यूएसबी केबल अभी भी, भाई ये कैसा है मुझे समझ में नहीं आता। 2023 में भी माइक्रो यूएसबी केबल दिया गया है चार्जिंग के लिए, साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए गए हैं। तो ये है मीवी का K1। यहाँ पे जो है इस K का मतलब ये है कि ये आपका काटेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पीछे माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया है चार्जिंग के लिए ₹1000 में, जबकि ₹1000 में इनके ही खुद के TWS आते हैं जिनमें आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है। तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं किस तरीके का अंडे के टाइप का डिज़ाइन है, काफ़ी अजीब डिज़ाइन है, बहुत ही इनका हर बार का डिज़ाइन ऐसे अजीब ही रहता है। मीवी की ब्रांडिंग है, सामने की तरफ 4 LED इंडिकेटर है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये मानना पड़ेगा कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। ईयरबड्स काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, पूरा यहाँ पे जो है प्लास्टिक का ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना वो मुझे अच्छा कुछ जमा नहीं, क्योंकि मीवी जैसे ब्रांड के तरफ से जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद करता हूँ यहाँ पे। ओके तो फिटिंग अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी कानों के अंदर तक चले जाता है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। डेफिनेटली कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिटिंग एवरेज सी लगी है मुझे, मैं इसे जिम के लिए उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। कैजुअली आप इसे जो है खरीद सकते हैं अगर आपको यहाँ पे जो है नॉर्मली यूज़ करना है तो। ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, लेकिन फिटिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। फोन के साथ जल्दी से कनेक्ट करके देखते हैं, ढक्कन खोलते हैं और यहाँ पे जो है ब्लूटूथ को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ढक्कन खोलने के बाद हमें कोई भी तरीके का यहाँ पे जो है मीवी का ईयरबड देखने को नहीं मिल रहा है ब्लूटूथ के अंदर। अब यहाँ पे ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं। ईयरबड्स को बाहर निकालने के बाद मीवी डुओ पॉड X1 आपको दिख जाएगा ब्लूटूथ के अंदर। पेयरिंग मुझे थोड़ा सा स्लो लगा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम जो पेयरिंग है वो मुझे काफी स्लो लगा, और साथ ही साथ अगर आप इसे नॉर्मली भी यूज करते हैं ना तो ढक्कन खोलने के बाद ये कनेक्ट नहीं होता है। ईयरबड्स को आप बाहर निकालोगे केस से तब जाकर ये कनेक्ट होता है फोन के साथ, तो मुझे थोड़ा सा पेयरिंग जो है स्लो लगा। इस फैक्ट्री से मुझे यहाँ पे 100% चार्ज करके दिया गया है। सेटिंग्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको HD ऑडियो AAC का कोडेक देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ओके तो जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो मुझे 5 गाने सुनते ही पता चल गया कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, बिल्कुल ही एवरेज है साउंड क्वालिटी। अगर आपको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि जिस गाने में बेस नहीं है, क्लासिकल म्यूजिक अगर मैं बजाऊं यहाँ पे, क्लासिकल म्यूजिक मैंने सुना यहाँ पे, और उसके बावजूद जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें उतना बेस नहीं होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है इसके ईयरबड्स एकदम ही बूम बूम तरीके से जो है बेस सुना रहा था। डेफिनेटली अगर आपको बेस पसंद है, अगर आप एक बेस लवर हैं तभी आप इसको खरीदना, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लैरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ट्रेबल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और डायलॉग्स ढंग से सुनाई नहीं देते हैं, और गाने में जो वोकल्स है, जो सिंगर का आवाज़ है, वो बिल्कुल भी एकदम दबा दबा हुआ सा सुनाई देता है। मैंने रैप वाले गाने सुने, मैंने हिप हॉप वाले गाने सुने, मैंने नॉर्मल बॉलीवुड वाले गाने सुने, मैंने पुराने क्लासिक गाने भी सुने, तो मुझे यहाँ पे सारे गानों में जो है ना सिंगर की आवाज़ बहुत ही दबी दबी हुई सुनाई दी। डेफिनेटली इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल भी मुझे उतनी पसंद नहीं आई है, अगर आपको बेस पसंद है तब आप इसको ले सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कोई भी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं है, कोई भी गेमिंग मोड नहीं है, कोई भी यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके के इक्वलाइजर कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा फीचर के मामले में काफी कम यहाँ पे चीजें दी गई हैं। बैटरी लाइफ और चार्जिंग की बात करूँ तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन मीवी ने क्लेम किया है कि 50% वॉल्यूम पे आपको 42 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, जो कि थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे जो क्लेम है ना, वैसे तो 50% पे अगर आप रखोगे वॉल्यूम को तब भी आपको 42 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पे रखते हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी इसके बैटरी बैकअप में। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि ₹1000 के हिसाब से बैटरी बैकअप आपको ठीक ठाक सा मिल जाएगा। लेकिन जो अच्छी चीज नहीं है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट। इसमें आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के लिए, जो कि सबसे घटिया चीज़ है इस
ईयरबड्स के बारे में। 2023 आ चुका है भाई, और उसमें भी आपको यहाँ पे अभी भी माइक्रो यूएसबी पोर्ट दे रहे हैं भाई। अब तो 5,000, 6,000, 7,000 रुपए के फ़ोन में भी जो है यूएसबी टाइप सी पोर्ट आना शुरू हो गया है, लेकिन 1,000 रुपए के ईयरबड में मीवी जैसी ब्रांड जो है यूएसबी टाइप सी पोर्ट नहीं दे पा रही है। डेफिनेटली ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगा है। लेकिन वहीं पर बात करूँ कॉलिंग की, तो जल्दी से इसका कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट मीवी के वन ईयरबड का, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इनको पहना हुआ है, और अभी आप स्टूडियो आवाज सुन रहे हैं वो यहाँ पे इसी से आ रहा है। तो अगर आप इसे यूज करके कॉलिंग में बात करोगे ना तो सामने वाले को कुछ इस तरीके का आवाज सुनाई देगा। ऊपर देख सकते हैं फैन चालू है, साथ साथ मैंने एसी भी चालू रखा है ताकि आपको पता चले ये कितना बैकग्राउंड नॉइज ये कैंसिल कर पाता है। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट मीवी के वन का। अब चलेंगे बाहर और टेस्ट करेंगे इसकी कॉलिंग। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट मूवी जीरो पॉड के वन का। आपके यहाँ पे तुम करके डिसाइड करना किसको मिल रही है आउटडोर के अंदर, और यहाँ पे जो है गाड़ियाँ वगैरह आ जा रही है, तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं किस प्रकार की जो है नॉइस कैंसिलेशन मिलता है यहाँ पे मूवी जीरो पॉड के वन के अंदर। और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड में कितनी कैप्चर हो रहा है मेरा और कुछ कैप्चर हो रहा है सब कुछ आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो ये एक कॉलिंग टेस्ट ओवरऑल ये जो ईयरबड है मुझे काफी ज्यादा एवरेज लगा है। मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि इससे दूर रहिए, बिल्कुल भी इसको मत खरीदिएगा। इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग है वो बिल्कुल ही बेकार है। ओवरऑल मेरी तरफ से ये ईयरबड्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं रहेगा। बाकी इतना था इस वीडियो में, आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।